मुंबई में सिंथेटिक रेयन टेक्सटाइल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल की बैठक में शामिल होने के बाद उद्योग मंत्री सैयद शहनवाज हुसैन आज पटना पहुंचे। पटना एयरपोर्ट पर पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि इथेनॉल के बाद अब बिहार में टेक्सटाइल पॉलिसी पर काम हो रहा है। मुंबई में उद्योगपतियों के साथ हुई महत्वपूर्ण बैठक में कई बातों पर चर्चा हुई। इस दौरान उद्योगपतियों ने बिहार में टेक्सटाइल उद्योग लगाने की मंशा जताई है। मंत्री शहनवाज हुसैन ने कहा कि कोरोना काल के बावजूद इथेनॉल में उम्मीद से काफी ज्यादा निवेश के प्रस्ताव मिले हैं। अब बढ़िया टेक्सटाइल पॉलिसी लाने की तैयारी की जा रही है। दरभंगा पार्सल ब्लास्ट पर शहनवाज हुसैन ने कहा कि इसमें जिस किसी का भी हाथ है उसे बख्शा नहीं जाएगा। बिहार में सुशासन की सरकार है, यहाँ कानून का राज है, किसी को भी कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं है। वहीं तेज प्रताप और तेजस्वी यादव के वैक्सीन लेने पर शहनवाज ने कहा कि शुक्र है उन्होंने वैक्सीन तो ले लिया। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने अब तक वैक्सीन नहीं ली वे भी वैक्सीन जरूर लें, किसी के बहकावे में ना आए, न ही किसी तरह की अफवाह पर ध्यान दें। देश की इकोनॉमी कैपिटल मुंबई से आ रहा हूँ। कल इथेनॉल पॉलिसी 30 जून तक थी और जब हमने इथेनॉल पॉलिसी बनाया था आप लोगों से बात करते हुए मैंने कहा था कि ये गेम चेंजर होगा बिहार में। 2007 में नीतीश कुमार जी ने भारत सरकार को ये कहा था कि आप अनाज से इथेनॉल बनाने की इजाज़त दीजिए, लेकिन यूपीए सरकार ने नहीं दिया था। बाद में नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने इथेनॉल पर बड़ा कदम उठाते हुए इसको बनाने की इजाज़त दी। बिहार पहला राज्य बना जिसने इथेनॉल पॉलिसी बनाई, ऑक्सीजन पॉलिसी बनाई, और हम इसमें लीडर बनकर बिहार जो है वो लीडर बनकर उभरा। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो सुशासन है, जो बिहार की एक अच्छी इमेज बनी है, तो उद्योगपतियों की पहली पसंद अब बिहार बन रहा है, क्योंकि स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, नेपाल है, बगल में बांग्लादेश है, उधर ईस्टर्न यूपी है, इधर वेस्ट नॉर्थ बंगाल है, ये पूरा इलाकों को देखते हुए बड़ी तादाद में इन्वेस्टर आ रहे हैं। और इथेनॉल में हमने पहले शुरू किया था कि 100 केएल के 1 लाख लीटर और 7,000 लीटर के प्लांट आएंगे, लेकिन 700 के आगे, 500 के आगे, 10 जिले ऐसे होंगे जहाँ 1,000 करोड़ पार कर गए। पहले बेगूसराय और मोतीपुर था, भागलपुर भी 1,000 पार कर गए, और कई जिले जमुई 1,000 पार कर गया, ऐसे बहुत से जिले। अपना अपनी दृष्टि व्यापक है, पूरे बिहार को ध्यान में रखकर काम है। अब इथेनॉल पॉलिसी क्योंकि कल तक थी तो मैंने एक दिन पहले ही टेक्सटाइल पॉलिसी पे काम बढ़ा दिया। मैं मुंबई में टेक्सटाइल के काउंसिल है उसकी बैठक की, इसमें उद्योगपति आए और सबने इंटरेस्ट दिखाया, जल्दी हम टेक्सटाइल पॉलिसी लाएंगे, एक्सपोर्ट पॉलिसी लाएंगे, जल्दी लॉजिस्टिक पार्क की पॉलिसी लाएंगे, हम कई पॉलिसी पर काम कर रहे हैं। उसको देखकर लगता है कि बिहार की तकदीर और तस्वीर समरे की जो विधानसभा के फ्लोर पर मैंने कहा वो पूरा होगा। अब टेक्सटाइल के क्षेत्र में क्योंकि हमारे पास लेबर सस्ती है और यहाँ पर जो लोग आएंगे मैंने उनको नाम दिया है, वर्क फ्रॉम होम हो रहा है सब जगह, तो जो टेलर मास्टर हैं, जो टेक्सटाइल वर्कर हैं, वो भी वर्क फ्रॉम होम लें, यानी वर्क फ्रॉम बिहार, तो जो काम करवाने वाले लोग हैं उनको भी अच्छा लगेगा कि लेकिन वहाँ से काम करें। तो ये काम हम कर रहे हैं, जिस तरह से हमले हो रहे हैं इसको पूरा कर रहे हैं ना, तो और फिर कहेंगे पूरा समय दे रहे हैं आपको। बिहार का बात मैं आप क्यों नहीं सुनना चाहता, दूसरे राज्य वालों को बिहार का बात नहीं सुनता है, आप लोग तो बिहारी होकर भी बिहार का बात नहीं सुनना चाह रहे, तो बिहार के लिए अच्छी खबर है, सुरक्षा का मामला है, आ रहे हैं ना विषय। पहले अपने घर का उद्योग के बाद आंतरिक पे आएंगे, इसलिए बिहार के लिए आपको आप सबको भी बधाई, बिहारी हैं हम और आप, मैंने शपथ ली है और आपने शपथ नहीं भी ली है तब भी बिहार के प्रति आपका भी दायित्व उतना ही है। यहाँ तक ये ड्रोन से हमले की बात है, बौखलाया हुआ है पाकिस्तान, जिस तरह अमन अमान है, विकास है, जिस तरह जम्मू कश्मीर की आवाम नरेंद्र मोदी से प्यार करती है, जिस तरह वहाँ डेमोक्रेसी के लिए सारी पार्टियाँ आकर
बातचीत कर रही है। प्रधानमंत्री के दिल में जगह है इस जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए, पाकिस्तान के दिल में नफरत है। क्या भारत की सुरक्षा एजेंसियों पर सवाल नहीं उठते? देखिए तो जो ड्रोन वाला जो ये जब ड्रोन कहीं चलाता है कोई, उसकी सब साजिश को नाकाम करेंगे, उसका जो जवाब होता है वो जवाब उनको मिलेगा। बिहार में भी दरभंगा में ब्लास्ट हुआ है और ये इसमें एनआईए की टीम यहाँ आ रही है जांच करने, आतंकी साजिश। दरभंगा ब्लास्ट कहीं पे इंटेलिजेंस फेलियर के आप देखते हैं, क्योंकि ये लोग एक्सप्लोजिव प्लांट करने में सक्सेसफुल हो गए हैं, इतने सालों से काम कर रहे हैं। बिहार में सुशासन है, कानून का राज है, किसी को भी कानून को हाथ में लेने की इजाज़त नहीं होगी और जो भी इसमें शामिल है जांच हो रही है, बख्शे नहीं जाएंगे। यहाँ पर हम लोग जहाँ भी इस तरह की हरकत हुई है, नीतीश कुमार जी न आतंकी हो या अपराधी हो, उसको बख्शने वाले नहीं। सवाल सारा है, कह रहा है कि विदेशी वैक्सीन लिया है, उसको लेकर काफी बवाल, लंबे समय के बाद क्या कह रहा है आपका, उस पर क्या कह रहा है इंडिया के प्रधानमंत्री? बोल रहे हैं चाहे वैक्सीन कोई भी हो लीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं हेजिटेंसी। कोई बात नहीं, वैक्सीन लिया तो सही, दे रहा है दुरुस्त। लेकिन जेडीयू लगातार हमले कर रही है, कह रही है कि विदेशों को विदेशी वैक्सीन पर उनका भरोसा था, देसी वैक्सीन पर नहीं भरोसा था। 11 करोड़ बिहारी हैं, उनके बारे में कुछ ही नहीं रहे आप। जो लोग वैक्सीन ले रहे हैं, जो भी बिहारी ले रहे हैं, अब ये नहीं है कि जो असेंबली में पहुंच गए उन्हीं के बारे में आप चर्चा करेंगे। जिस बिहारियों ने वैक्सीन लिया है आज, वो बहुत अच्छा किया। जो बिहार के लोग नहीं लिए हैं उनसे मेरा अनुरोध है, किसी की अफवाह में मत आए। पहले तो लोग कह रहे थे वैक्सीन दीजिए, वैक्सीन दो, वैक्सीन दो। अब वैक्सीन मिल रहा है तो नेता जो हैं लोग वो चुपचाप हैं। अब तो शाही इमाम बुखारी साहब ने भी वैक्सीन लिया है, उसके बारे में तो आपने नहीं पूछा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।